थर्ड ब्लॉक बेसिकली दो तरह का होगा, साइनो एट्रियल ब्लॉक एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। एट्रियो वेंट्रिकुलर फिर फर्दर तीन तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सेकेंड डिग्री भी फर्दर दो तरह का होता है, मोबिल्स टाइप वन जो जिसको कि वेंट्रल ब्लॉक भी कहते हैं, एंड सेकेंड है मोबिल्स टाइप टू जिसको कि हे ब्लॉक भी कहते हैं। नॉर्मल साइनस रिदम जो फर्स्ट फिगर है वो नॉर्मल है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसमें पी आई इंटरवल इंक्रीज रहेगा, ऑल पी वेव्स आर कंडक्ट, सारा पी वेव बनेगा बस जो पी आई इंटरवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप वन यानी कि मोबिल्स टाइप वन, प्रोग्रेसिव प्रोलंगेशन ऑफ पी आई इंटरवल अंटिल क्यू आर एस ड्रॉप, यानी कि पी आई इंटरवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जब तक कि क्यू आर एस एबसेंट ना हो जाए। फिर सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप टू, इसमें कॉन्स्टेंट पी आई इंटरवल होता है बट क्यू आर एस जो है वो बीच बीच में गायब रहेगा। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ ए वी कंडक्शन, तो वो अलग होता है, नॉर्मल से काफ़ी डिफरेंट रहेगा और ए वी का अलग बनेगा एंड साइनो एट्रियल का अलग कंडक्शन होगा। हेल्दी ईसीजी जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो पी वेव है और जो येलो शेडेड एरिया है वो पी आर इंटरवल है। तो नॉर्मल में सारा कांस्टेंट है, मोबिल्स टाइप वन पी आई इंटरवल ग्रेजुअली इलोंगेट, तो जो येलो रीजन है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अंटिल अ पी वेव इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। तो जो येलो कलर का जो रीजन है, शेडेड रीजन है मोबिल्स टाइप वन में, वो धीरे धीरे पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, उसमें पी आई इंटरवल धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है और अल्टीमेटली क्यू आर एस बनेगा ही नहीं। जबकि मोबिल्स टाइप टू में पी आई इंटरवल आर कंसिस्टेंट, पी आई इंटरवल जैसा है सेम रहेगा बट सम पी वेव्स डोंट कंडक्ट, बस कुछ पी वेव जो होता है फिर फर्दर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा वो नहीं बनता है। तो जो येलो शेडेड रीजन है पी आई इंटरवल वो सारा कॉन्स्टेंट है बट बीच में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गायब है, दैट इज़ मोबिल्स टाइप टू। मोबिल्स टाइप वन, मोबिल्स टाइप टू, मोबिल्स टाइप वन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेंकेबक ब्लॉक, जबकि टाइप टू को हे ब्लॉक बोलते हैं। प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पी आई इंटरवल अंटिल अ पी वेव फेल्स टू कंडक्ट, तो धीरे धीरे पी आई इंटरवल बढ़ते जाता है जिसके बाद कि एक बार क्यू आर एस गायब हो जाता है, यानी कि पी फर्दर कंडक्ट नहीं करता है। जबकि मोबिल्स टाइप टू में कॉन्स्टेंट पी आई इंटरवल होगा। टाइप वन में पी आई इंटरवल इज लॉन्गेस्ट इमिडिएटली बिफोर द ड्रॉप्ड बीट एंड शॉर्टेस्ट इमिडिएटली आफ्टर द ड्रॉप्ड बीट, यानी कि जो बीट एबसेंट हो रहा है तो धीरे धीरे इंटरवल बढ़ रहा है, तो स्टार्ट सेम बीट ड्रॉप हुआ उसके बाद सबसे छोटा इंटरवल होगा बट ड्रॉप बीट ड्रॉप होने का जस्ट पहले का जो रीजन होगा वो सबसे लंबा होगा, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते 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 क्यू आई एस कॉम्प्लेक्स एबसेंट हो जाता है। जबकि टाइप टू में विथ इंटरमीडिएट नॉन कनेक्टेड पी आर वेव, वो कॉन्स्टेंट रहता है बस बीच में जो पी वेव है वो आगे कंडक्ट नहीं करता, जिससे कारण क्यू आई एस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। टाइप वन पैटर्न टेंस टू रिपीट इन पी रेशियो क्यू आर एस ग्रुप्स विथ रेशियो 3:2, 4:3, 5:4, तो ये एक जनरल पैटर्न है। जबकि टाइप टू में नो प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पी आई इंटरवल, तो वो इस तरह से नहीं बढ़ता है। टाइप वन में अ बेनाइन रिदम दैट जनरली रिफ्लेक्ट अ ब्लॉक एट द ए वी नोड, तो ये ए वी नोड के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है और बेनाइन है। अ ब्लॉक आफ्टर ए वी नोड आइदर एट द बंडल ऑफ हिज और इट्स ब्रांचेज, तो जब ए वी नोड के पास प्रॉब्लम होगा तो वो टाइप वन है। जब फर्दर ए वी नोड से आगे बंडल ऑफ हिज में या फिर उसके ब्रांचेज में अगर प्रॉब्लम है तो वह टाइप टू है। मोबिल्स टाइप वन का प्रोग्नोसिस गुड है जबकि टाइप टू बैड प्रोग्नोसिस, हाइयर रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू अ थर्ड डिग्री ए वी ब्लॉक। सो मोबिल्स टाइप वन धीरे धीरे ऊपर जो एरो है वो साइज बढ़ रहा है, दैट इज पी आई इंटरवल बढ़ रहा है और जो स्टार मार्क है यानी कि वहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गायब है। जबकि मोबिल्स टाइप में ये 3:1 यानी कि पहले पी वेव है फिर फर्दर पी वेव है बट क्यू आर एस का बात करें तो पहले में क्यू आर एस है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फिर फोर्थ में, दैट इज़ 3:1, ये हर तीन वेव के बाद एक क्यू आर एस बन रहा है। हर्ट ब्लॉक कॉन्स्टेंट पी आई इंटरवल एंड वेरिएबल पी आई इंटरवल। कॉन्स्टेंट पी आई इंटरवल में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप टू, और वेरिएबल पी आई इंटरवल में सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप वन एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थैंक यू फॉर योर टाइम।